हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं मॉर्निंग वॉक पे आई थी, तो मैंने सोचा कि रीट के जो आजकल बहुत हाईलाइटेड मुद्दे चल रहे हैं उन पे चर्चा की जाए। तो सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि रीट लेवल 2 यानी कि जो बीएड वाले बच्चे हैं उनके साथ ही हमेशा अन्याय क्यों होता है, और स्पेशली 5 साल से तो अन्याय हो ही रहा है, और लेवल 1 और लेवल 2 में इतना भेदभाव क्यों है। और ये तीनों बातें बिल्कुल सही है, क्योंकि रीट लेवल 1 वालों का रिजल्ट तो आ रहा है 31 मई से पहले, और लेवल 2 वालों का आ रहा है जून में, 15 जून से पहले की संभावना है, ऐसा उपेन यादव ने और हरिप्रसाद शर्मा ने कहा है। बट फिर भी ऐसा फिक्स भी नहीं है कि आएगा ही सही। तो ये देखा जाए तो एक तरह से अन्याय ही है यार, क्योंकि रीट लेवल 1 वालों की भर्ती 2021 में हो भी चुकी है और हमारी तो रद्द हो गई थी ना। हम अप्रैल में रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, मई में कर रहे थे, अब जून का बोल दिया है, और बच्चों से एक एक दिन कटना बहुत मुश्किल हो रहा है, स्पेशली बीएड वालों से, क्योंकि वो लोग वैसे ही 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हैरेस कर रही है रीट लेवल 2 वाले बच्चों को, बीएड वालों को। चलो कोई नहीं, अब हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, बस यही कि 15 जून तक इंतजार करना है। और वैसे उपेन यादव सर ने एक वीडियो में बताया कि 15 जून तो नहीं, 10 जून से पहले पहले रिजल्ट आ ही जाएगा लेवल 2 का भी। देखते हैं अब ये न्यूज़ कितनी सही निकलती है या कितनी फेक। दूसरा मुद्दा ये उछल के आ रहा है कि सुनने में आया मीडिया के माध्यम से कि इंग्लिश और साइंस की लेवल 2 की जो पोस्ट हैं उनमें कुछ कमी की जा सकती है। ये सब अफवाह है दोस्तों, इनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। क्यों? 0.01% भी सच्चाई नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें ये निकल के आ रहा है निष्कर्ष कि सबसे पहले गवर्नमेंट 6D करेगी, और 6D का मतलब ये होता है कि जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनको माध्यमिक शिक्षा में लगाएंगी, जो पद खाली है माध्यमिक शिक्षा में, ताकि प्राइमरी के जो पद है वो खत्म हो जाएंगे, मतलब खाली हो जाएंगे, रिक्त हो जाएंगे, और उनमें लेवल 2 वालों को पोस्टिंग दी जा सकेगी। ये होता है 6D। तो ये बिल्कुल सरासर अफवाह है कि रीट लेवल 2 के साइंस के या फिर इंग्लिश के पद कम किए जा रहे हैं, क्योंकि पहले ही 4500 पद कम हो चुके हैं, और अब तो एक भी कम होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं हो सकता है राजस्थान में अभी जो सिचुएशन चल रही, क्योंकि वैसे ही बच्चे बिल्कुल दम घुट घुट के मर रहे हैं यार। क्योंकि जो जिन लोगों ने मेहनत करके एग्जाम दिया है और जो लोग 5 साल से मेहनत कर रहे हैं ना, उनका दर्द सच बात बताऊं तो उनके घर वाले भी नहीं समझ सकते। वो उन लोगों पे क्या बीत रही है ये कोई भी नहीं जानता, सिवाय उनके जो एग्जाम में बैठे थे। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऐसे भी रहे, मतलब मैक्सिमम तो नहीं कहूँगी बट 50-50 बच्चे ऐसे भी हैं कि उनको ये भी श्योर नहीं है कि हमारा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। सब रिजल्ट के इंतजार में बैठे हुए हैं, और रिजल्ट आगे खिसकता ही जा रहा है, खिसकता ही जा रहा है। और बीच बीच में फिर जब ये भ्रमित करने वाली न्यूज़ आ जाती है कि पोस्ट कम हो रही है, पहले रिजल्ट का बोल दिया कि मई में पक्का आ ही रहा है, जून में नहीं जाएगा, और अब जून का बोल रहे हैं, तो ऐसे इंसान की उम्मीदें टूट जाती है और वो दुखी हो जाता है, क्योंकि वो वैसे भी बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहा है। बट ये है कि किसी को भी हताश होने की जरूरत नहीं है, 15 जून तक रिजल्ट आ ही जाएगा।